सच बोल रहा हूँ भाई, इसे बाइक पे आते चला रहे। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो रहने वाली है घर पे ही, और यार बाल मैंने कटा दिए थे इसलिए कैप लगा के रखता था, बट अभी मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ये चेक करो आप लोग, प्रॉपर बाइक वगैरह वॉश की हमने, ये मैंने कर दिया है, और ये भी चेन ल्यूब की, और ये वर्मा भाई अपनी बाइक का कर रहे थे काम। क्या बना के रखा है ये बाइक का? और ये भाई अपनी बाइक ना मेरे यहीं खड़ी करता है, घर को लेके नहीं जाता, ये स्कूटी पे आता है और यहाँ से बाइक उठाता है। फिर अभी जा रहे हैं हम एक वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ इस चैनल पे अब तीन मतलब एक हफ्ते बाद ही आएगी वीडियो, इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैं जा रहा हूँ फैमिली ट्रिप के साथ। तो वर्मा भाई कहाँ चले अभी? चलते हैं ट्रैक पे। सो आज ये वाली बाइक लेके जाऊँगा मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक्सपल्स ही चला रहा था। सो आज इस पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके जो टायर्स हैं ना वो हैं प्लेन और ये नूबी हैं। जब आप लीन करते हो ना तो इसका डिफरेंट तरीके से होता है लीन, और प्लेन टायर्स का डिफरेंट से। सो अभी मेरा हाथ पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, और वर्मा भाई तो आज मेरे को फुल पावर डेमो देने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में। सो अभी निकलते हैं थोड़ी देर बाद, और मिलते हैं सीधा कहाँ पे? ट्रैक पे। वर्मा भाई बोल रहे हैं ट्रैक पे। फाइनली निकल गए हैं घर से, अभी 1-2 बज चुके हैं और काफ़ी लेट हो चुके हैं यार वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हमने फ्यूल अप वगैरह कराया, सो अभी टायर प्रेशर भरते हैं इसमें। कितना कराना है इसमें? तूने कितना कराना? मैं तो सोच रहा हूँ फ्रंट में 22 करता हूँ, रेयर में 28। हाँ तो मेरे भी सेम ही। और ये बच्चे लोग यहाँ पे ये देखो बहुत खुश अपने से, ओ ठोक दी थी भाई इसने गाड़ी। तो अभी निकलते हैं, टायर प्रेशर करते हैं इसका चेक, और उसके बाद निकलते हैं। तो बने रहे आप ऐसे ही वीडियो में। भाई साहब सो गाइस अभी करते हैं टायर को वार्म अप, क्योंकि इसमें ल्यूब भी लगा हुआ है और अपना, तो उस वजह से स्लिप हो रहे हैं टायर बहुत गलत तेल की वजह से। और ये आगे लीड करते हुए वर्मा भाई, और अभी जा रहे हैं हम काफ़ी दिनों बाद छोटी सी राइड पे, मैं अपने एडवेंचर वे। और यहाँ पे भी कैमरे लग गए, हर जगह कैमरे हैं। ओ भैंस की टांग क्या करता है यार इसको ना, मतलब सच बोल रहा हूँ भाई, इसे बाइक नहीं आती चला रहे, अननेसेसरली ब्रेकिंग करता है अननेसेसरली। इसके आगे पीछे चलना ना बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये देखो भगा देगा, ऐसा नहीं है बट जहाँ पे निकल जाते हैं जैसे अभी यहाँ से निकल जाएगी इजिली, बट ये निकालेगा नहीं। काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ यार अपने एक्सपल्स के बाद ना, तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको भगाने का, फील तो है भाई। ओ भाई अब ठीक लेके जाता है ये बिल्ली ना, पूछ जो करता है तो ठीक कर लेता है अब। अरे क्या कर रहा भैं, देखो यार ये मेरे को ओवरटेक नहीं भरना देगा ना, मतलब ठीक है सब। जैसे मैं तेरे से ओवरटेक भर रहा हूँ, होता है भाई मेरे साथ भी होता है, ये बोल रहा है कि जैसे मैं इससे आगे ओवरटेक भर रहा हूँ ना तो बाइक चलाने भूल जा रहा है। तो बस ऐसे ही है, तू अपना 360 में भी रिकॉर्ड करता रहे क्लिप्स, ठीक है? सो मिक्सअप हो जाएगा। सो अभी तो देखते हैं आगे तक चलते हैं, बढ़िया सा राइड करते हैं। आज काफी दिनों बाद निकाली यार ये वाली बाइक ना मैंने, तो इस पे हाथ बनने के लिए मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे, बट ठीक है मज़ा आ रहा है यार। ओ भैंस की टांग क्या लीड मारा यार।
सो गाइस अभी बोला नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है राइड जब होती है ना तो बोला नहीं जाता है, सिर्फ भगाते हैं। भाई आजा यार, इसके 360 में रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि मेरे वाला एंगल नहीं आता जो मैं भगाता हूँ। अपनी बाइक्स तो हो गई हैं वार्म अप, सो अभी भगाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच लेते हैं बढ़िया सा क्योंकि रोड भी एक नंबर है। बट सीन कुछ ऐसा है कि जब भगाएंगे ना यार बोलना नहीं जाएगा, तो आप लोग बस वाइब लेना उस चीज़ की और देखते किसी हिसाब से रिकॉर्ड होती है क्लिप्स। सो बने आप ऐसे ही वीडियो में, सो लेट्स एंजॉय राइड ब्रो, बाय बाय। ओ भाई लेट्स गो ब्रो, एक दिक्कत आ चुकी है अपने साथ। वर्मा भाई की बाइक मतलब भगाई नहीं जा रही यार, क्योंकि इसका ना जो फ्रंट का शॉकर है वो लीक है तो एक साइड को भाग रही है, और रोड तो मतलब इतना सेक्सी है ना कि क्या बताऊं। तो अब इतने दूर आए हुए हैं ना तो कुछ करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो वर्मा भाई क्या बोलना चाहोगे, क्यों नहीं भगा रहे? क्या ही बोलूं मैं, आप लोगों को दिख रही है गाइस कंडीशन इसकी, भगाने लायक तो है नहीं। बाइक की कंडीशन देखो यार, पूरी खराब कर दी है इसने। इसका ना जो फ्रंट का शॉकर है ना उसकी वजह से आउट जा रही है बाइक जब लीन कर रहा हूँ, तो इस मेरे को नहीं था ध्यान में कि इसने मेरे को अभी बताई वो प्रॉब्लम। मैंने चला के देखी ना बाइक, तो भाई पता नहीं कैसे चला रहा था, हेड्स ऑफ मतलब इसके लिए ना। और मेरी बाइक तो भाई फुल पावर लीन हो रही थी, मैं क्या बताऊं इससे मतलब 390 से ना पकड़ा नहीं जा रहा था। पर मैं भाई कितना गैप डल रहा था, ठीक ठाक डल जा रहा, भूल ही जा रहा था, बोलता भाई मैं भूल गया पीछे चला के। तो अभी यहाँ पे स्टंटिंग करते हैं थोड़ा सा क्योंकि खाली रोड है, तो देखते हैं ट्राई क्या व्हील करनी, ट्राई की स्टॉपी स्टॉपी। तो वर्मा भाई रील्स के लिए कर रहे हैं शूट, और उसके बाद देखते एक साइड मेरे को रील भी शूट करने पड़ रही है और एक साइड स्टॉप भी मारेगा अब ये। और फैक्ट ब्रो ठक ना कर रहे जान बूझ के, इतने जोर से ठक व्हील कवर की वजह से हो रही है। डर लगता है यार स्टंटिंग ना, और जब किसी के पीछे भगा रहे हो तब भी डर लगता है। जैसे आज ये मेरे पीछे भगा रहा था तो बोलता भाई भूल ही गया हूँ मैं बाइक चलाना। चल 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 बैक से मेरे भाई हमीरपुर। हाँ जी ठीक यार भाई लोग आ जा रहे हैं उधर घर से ना, तो चल पड़े क्या? कोई नहीं। हाँ ठीक है भाई, द केडियम बॉयज, द केडियम बॉयज भाई। हाँ जी हो गया माउंट। सो गाइज यहाँ पे ना मतलब स्टंटिंग तो क्या करनी, मैंने थोड़ा सा किया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो क्या यार यहाँ पे, एक तो गाड़ियाँ आ रही हैं ऊपर से लोग यहाँ के मना कर रहे, ठीक है वो भी अपनी जगह क्यों है ना, और कुछ लोग मज़े भी मतलब ये भी करते हैं कि हाँ करो करो आप लोग है ना, जैसे अभी भाई ये ना तो प्रॉपर। बट चलो कोई नहीं यार, हमें कोई जगह मिलनी चाहिए, इधर हमीरपुर में जगह ही नहीं है यार। सो गाइस मेरे को लगता है आज दिन नहीं होगा वीडियो बनाने का, बनने का, क्योंकि
इसका यार एक तो शॉक कर ली गया ना उसकी वजह से, इतने प्यारे रोड पे लीन नहीं हो रहा यार इससे ना, और ये रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा मेरे को जो मेरा एंगल आ रहा है, मैं जब इसके आगे चल रहा हूँ तो इसे गैप डल जा रहा है ना उस वजह से। सो अभी हमें मॉडिफिकेशन की शॉप पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमारे दोस्त आए हुए हैं धर्मशाला से मॉडिफिकेशन कराने, तो उनसे मिलना पड़ेगा, वो भी कॉल करके बुला रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो क्या शूट होता है, बने रहे आप ऐसे वीडियो में। और रोड देखो यार कितना प्यारा है ना भाई, जितना लीन हो सकता है ना उतना मैं कर रहा हूँ अपने एंड से, बट वो आपको जस्टिफाई नहीं होगा। सीधे में तो ठीक है, जब टर्न आ रहा है ना तो इसको आउट जा रही है पूरी की पूरी बाइक, तो उस वजह से टर्न पे स्लो हो जा रहा है यार ना। वैसे तो 390 है भाई, इसका मुकाबला तो कहीं पे भी नहीं हो सकता 390 की सेगमेंट में। ओ, अंकल की फटकी भाई साहब। अभी तो यार हम स्लो ही हैं, और लास्ट वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो इस वाले ट्रैक पे हुई थी, हम ऊपर गए थे। बढ़िया, देखो ब्रेकिंग ना इससे अननेसेसरली करता है यार। ओ जय बजरंग बली। मैं घर पे और सारी बाइक सही खड़ी है, ये वॉश कर दी है हमने, और ये वर्मा लेके नहीं जाता यार अपनी बाइक, मेरी यहीं खड़ी कर देता है घर पे। पता नहीं उसने शायद कुछ बड़ा प्रोजेक्ट सोचा है, बोलता कि बाद में खुद ले जाऊंगा मैं। सो अभी चलते हैं ऊपर, और मैं भाई से भी मिल के आ गया जो भाई अपने धर्मशाला से आए थे, बट मैं वीडियो बनाना भूल गया था। सो अभी मैं सीधा घर पे आके कर रहा हूँ शूट। सो अभी ऊपर एक प्रमोशन के लिए आया है, उसको करते हैं अनबॉक्सिंग और आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अभी कुछ प्रोडक्ट है ग्रैंड पिस्टन की तरफ से आया है मेरे को, इंस्टाग्राम की प्रमोशन है, बट अभी तो कहाँ होगी क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ बिल्कुल, मतलब वीडियो भी ना बहुत जल्दी जल्दी बन रही है। सो अभी मेरे को पैकिंग भी करनी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है प्रॉपर, बाइक वगैरह वॉश की खड़ी रहेंगी ना थोड़े दिन, 10 दिन तक तो मुश्किल है क्योंकि थोड़ा फैमिली ट्रिप पे और घूमने के लिए जा रहा हूँ मैं। सो उसके ब्लॉग्स नहीं आएंगे। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ, 5,000 करा दो यार हमारे सब्सक्राइबर ना। सो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।